हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग फिट एंड फाइन। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर की जो बुक है, इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमने 2 लेक्चर इसकी कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, ताकि जो आपके 17 चैप्टर हैं वो आपके नेक्स्ट 2 वीक्स में खत्म हो जाए। एंड यू विल ट्राई। आज तो सिर्फ ये फैक्चुअल डाटा जो ईयर है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। देर आर अनसर्टेनिटी कि एडीओ के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, और अब की बार एफओ में भी बहुत सारी चीजें इस पीडीएफ से बनेंगी, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव था, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए हैं और नए जो गोल्स है वो हमने सेट किए। लाइक 4% जो एनुअल ग्रोथ है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, हमने पंचअमृत सेट किए थे उस पर आ सकता है। तो 1995 में हमने इनिशिएशन किया था इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, सो IVLP। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, IVLP क्या है, क्यों इसको इनिशिएट किया गया था। तो ये विलेज में एक जैसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के लिए इन द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स और जितने भी विलेज को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको इनिशिएट किया गया था 1995 में। सो आप कैसे भी याद रख सकते हो, जिस टाइम वर्ल्ड बैंक बना था, सो हमने उसी टाइम विलेज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर 1996 में नेशनल जीन बैंक हमने खोला था दिल्ली में। एंड रिलीज ऑफ किस ब्रीड दैट इज जयंती रोहो, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जयंती रोहो क्या आपकी फिश है। 1997 में हमने एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर ये स्टार्ट किया था। एंड 1998 में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपके, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जिसके अंडर आपकी आत्मा ये वाली स्कीम्स हैं, एंड किसान क्रेडिट कार्ड हमने शुरू किया था। 1998 का क्वेश्चन आ चुका है। 99 में हमने एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन मैप ऑफ इंडिया ये प्रिपेयर किया था। 2000 में हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन स्टार्ट जो सेंटर था उसको इनिशिएट किया। देन 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है, PPVFR दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, इसको हमने इनेक्ट कर दिया था। एंड ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, BT कॉटन अप्रूव किया गया था कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए आपका 2002 में। 2003 में हमने क्या किया था, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम जो आपके कंटेजियस एक डिजीज दैट इज प्लूरो निमोनिया। 2004 में फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन्वेंट्री फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर, इसको हमने तैयार किया गया था। एंड 2005 में भूसा बासमती 11-21 तैयार किया गया था, लॉन्चिंग नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP 2005 में शुरू किया गया था। मे भी आत्मा इसके अंदर भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, कि आपकी जो पहले हमने देखा था NATP, मे भी इसकी एक सब स्कीम भी हो सकती है। एंड 2006 में हमने नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट इसको इनिशिएट कर दिया था, इसमें हमने लॉन्च किया है एंड इसमें हम इसको इंप्लीमेंट बोल सकते हैं। फिर आपका इन्फो क्रॉप, एक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, तो ये पूछ सकते हैं इन्फो क्रॉप क्या है फॉर ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। एंड हमने डेवलप सिट्रस रिजुवनेशन टेक्नोलॉजी 2006 में अडॉप्ट की। उसके बाद 2007 में हमने सीकेज फार्मिंग फर्स्ट विद सीबैस दैट इज लेट्स कैलक्रीफर, इसको स्टार्ट किया था, सीबैस जो आपकी फिश है। 2008 में सॉरी फर्स्ट बाजरा नेपियर हाइब्रिड दैट इज CO4 ये हमने तैयार किया था। 2009 में जलकुंड इसको हमने डेवलप किया था और लो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द हिली एरियाज, सो जलकुंड काफी स्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, आपको याद रखना है, इन द ईयर 2009। 2010 में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ कोबिया एंड सिल्वर पंपन ट्रांसजेनिक चिकन हमने डेवलप किया, डायरेक्ट सीडेड राइस सीड ड्रिल, ये 2010 में। एंड 2011 में हमने नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर निक्रा जिसको बोलते हैं, इसको हमने तैयार किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्री इनोवेटिव इंडिया लिमिटेड फॉर प्रॉफिट, ये कंपनी हमने स्टार्ट की थी 2011 में। 2012 में 100 आपके क्लाइमेट रेजिलेंट विलेजेस को तैयार किया गया था। 2013 में बफेलो पॉक्स वैक्सीन एंड फर्स्ट ट्रिपल रेजिलेंट टोमेटो अर्बन हाइब्रिड दैट इज अर्का रक्षक, अर्का रक्षक किसकी वेरायटी है ये याद रखनी, टोमेटो। 2014 में एटलस ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज हमने तैयार किया था, क्योंकि ग्रीन हाउस एमिशन एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा होता है। एंड कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो थी, इससे हमने इसको इरेडिकेट कर दिया था। 2015 में डेवलप मिनी सॉइल लैब दैट इज मृदा परीक्षक,
मृदा परीक्षक बोल सकते हैं जो सोयल के कंटेक्स्ट में। इंडिजिनस सीपॉक्स दैट इज सरीन 38 स्ट्रेन हमने डेवलप किया था। फिर है आरई, बहुत इंपॉर्टेंट है आरई, क्या है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ, आपकी यूथ को इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग बहुत अच्छा एक्रोनियम है, जा सकता है, एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आरई प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, मेरा गांव मेरा गौरव इस प्रोग्राम को हमने इनिशिएट किया था इन द 2015। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आरई की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पूछ सकता है आरई क्या था, दैट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। 2016 में ई नाम हमने स्टैब्लिश किया था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सभी मार्केट को एक जगह हमने लेके आने के लिए। फिर फार्मर फर्स्ट, ये भी 2016 में हमने इनिशिएट किया था, इसकी फुल फॉर्म है फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर NAHEP दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये तो 2017 में स्टार्ट किया। जो IRRI दैट इज साउथ एशियन रीजनल सेंटर स्टैब्लिश किया था वाराणसी में, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमर्शियलाइजेशन मॉडिफाइड हैप्पी सीडर को डेवलप किया था, प्रिपेयर्ड सोइल ऑर्गेनिक कार्बन रोडमैप को 2018 में तैयार किया, पीएम किसान इंप्लीमेंट की थी, एंड ये 2019 में फरवरी में सबसे पहले इसकी इंस्टॉलमेंट आई थी। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान 650 डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया था। ICR ने राजपथ 2000 राजपथ जो हमारा जिसमें 26 जनवरी को फर्स्ट टाइम तब ले इसको रोल किया था 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी ने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इसको फॉर्म किया था, एक अलग मिनिस्ट्री इसको बना दिया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ 129 लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन एज एक्सटेंट ब्रीड इसको हमने तैयार किया। बफेलो क्लैन फर्स्ट टाइम बाय द हैंड गाइडेड क्लोनिंग इसमें हमने तैयार किया था। एंड किसान गांधी 2019 में हमने 26 जनवरी पे इसको प्राइज मिला। 2020 में भूमि जियो पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ए गेटवे टू सोइल जियोस्पेटियल आपका डाटाबेस बनाने के लिए। क्वांटिफाइड इरोजन इंड्यूस्ड कार्बन लॉस ऑफ इंडिया को हमने तैयार किया। डेवलप माइक्रो एंड सेकेंडरी इरीगेशन डेफिशिएंसी मैप्स बनाया था, नोट्स इंपॉर्टेंट। एंड ब्रुसेलिया एबोर्टस दैट इज S19 वैक्सीन को हमने डेवलप किया, ये किसके कंटेक्स्ट में कैंडी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल ये 2020 में हमने लेके आए, सो हम इसको याद रख सकते हैं, फार्म जो बिल थे उनसे रिलेटेड करके पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। एंड 2021 में डेवलप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर H9N2 वायरस। कैप्टिव ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ ग्रे मिलेट एंड मैंग्रोव रेड स्नैपर इसको हमने तैयार किया 2021 में। सो ये आपकी ईयर थी, कुछ एक इनसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपको 2 से 3 बार अगर आप इनको देखोगे सो यू कैन इजीली रिकॉल। फिर आपके नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया, जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा रिच है इंडिया, कुछ एक आपके जगह पे बिल्कुल आपके डिप्लीट हो चुके हैं लेकिन कई जगह हमने आज तक उसको मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें सो उनको हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई, उस हिसाब से कैसे उनको कंजर्व किया जा सकता है एंड कैसे उनका बेटर वे में यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, सो उसके मैनेजमेंट के लिए द कंट्री हैज रिकॉग्नाइज दैट साइंस लेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इज द ओनली ऑप्शन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आज जो हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए उसका सस्टेनेबली हमें यूज करना है। ICR has developed land resources inventories हमने स्टार्ट की थी for effective and sustainable utilization of the natural resources. Important tool इसमें क्या था, जैसे include soil resources maps of the country. ये आपका million scale इतना आप देख सकते हैं, स्टेट में ये 55 डिस्ट्रिक्ट में degradation of map of the country हमने तैयार किया था, कितनी लैंड हमारे पास डिग्रेड है, एंड आप कमेंट सेक्शन में कहोगे सबसे ज्यादा डिग्रेडेड लैंड कौन से स्टेट में, एंड स्टेट सोइल के अंदर आपका इरोजन जो मैप है ये हमने तैयार किया था। जियो रेफरेंस सोइल्स फर्टिलिटी मैप फॉर मेजर एंड माइक्रो सेकेंडरी प्लान आपके प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए हमने तैयार किया था अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट में, फर्टिलाइजर्स को ध्यान में रखते हुए जिप्सम बेस्ड टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की थी। जैसे रिक्लेमेशन करनी थी हमको 1.3 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड, इसके लिए हमने मृदा परीक्षक सप्लीमेंट सोइल टेस्टिंग सर्विस इंडिया में शुरू कर दी थी, हमने देख लिया कौन सी ईयर में स्टार्ट की थी, अभी भी देखा कैंडली बता सकते हैं। और एग्रीकल्चर कंज्यूम 80% ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इरीगेशन, एंड ओवरऑल की बात करें तो 80-85 आप जा सकते हो, सो 80% ऑफ फ्रेश वाटर। एंड
एंड ये रबर डैम टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट की थी फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन द माइक्रोसेड एंड माइक्रो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जिसको हमने क्या बताया था, जलकुंड फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 30,000 लीटर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग प्राइमरी थ्रू एमिशन ऑफ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। बेस्ड ऑन एवरी लिमिटेड मेजरमेंट आपने रिपोर्ट किया था 1990 में दैट अलोन द राइस फील्ड एमिट 37.5 मैट्रिक टन आपका मीथेन पर ईयर रिलीज करता है। विद सिस्टमेटिक जो इंडिजिनस रिसर्च से द मीथेन एमिशन एस्टिमेटेड वाज रेशनलाइज्ड टू 3.3। हमको इसको करना है डिटेल इन्वेंट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द इंडियन एग्रीकल्चर प्रिपेयर किया, दैट इज पाठक 2015 में। एंड इसके अलावा अंडर NICR दैट इज नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ये प्रोजेक्ट हमने वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ द कंट्री ये तैयार किया था 446 क्लाइमेट फ्रेंडली विलेजेस बनाने के लिए, 151 क्लस्टर बनाने के लिए एंड अपस्केल करना है 300 क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज को 2024 तक। सो टारगेट आप देख सकते हो, लेकिन आपको ईयर याद रखना कब तक हमें करना है, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट मिलेगी और लास्ट में पूछेगा कौन से ईयर के लिए 2024 तक। एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान प्रिपेयर किए थे मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट में एंड फैसिलिटीज सच एज थ्रोपुट फिनोटाइपिंग प्लेटफॉर्म फ्री एयर टेम्परेचर एलिवेशन दैट इज फैट इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए CTGC दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर ग्रेडियंट टनल एंड वेरियस इंस्टीट्यूट हमने ICR में भी इस्टेब्लिश किए हैं। एंड जैसे हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पहले आई थिंक अमृत धारा करके था यार जो एक ICR का फीड था, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अमृत धारा हो सकता है जिसमें हमने एंटी मीथेन प्रॉपर्टीज उसमें यूज की थी कि उसमें ज्यादा मीथेन अब नहीं होगा, अगर कोई एनिमल उसको कंज्यूम करेगा देन उसका जो वेस्ट है उसमें एमिशन ऑफ मीथेन विल बी वेरी लेस। ICR ने डेवलप की है 210 प्लस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट मशीन 23,197 प्रोटोटाइप फार्म मशीन तैयार की है, नॉट्स इम्पोर्टेंट हैप्पी सीडर हमने तैयार किया था एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए स्पेशली आपका रिड्यूस करेगा ये आपका बर्निंग जो रजिस्टर से निकलता है मीथेन उसको इंक्रीज फार्म इनकम ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो 200 आपका 20 रुपये पर एकड़ में क्विंटल के हिसाब से 20 रुपये मिलते हैं। एंड सिमिलरली जीरो टिलेज मशीन हमने तैयार की थी जो आपको नो प्रैक्टिस टिल फार्मिंग फॉर कमर्शलाइजेशन टू सेव एनर्जी वाटर एंड टाइम एंड ऑल्सो इंक्रीज द यील्ड एंड ऑल्सो रिटेन द मॉइस्चर। एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें 1960 में हमने पहली आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में इस्टेब्लिश की थी, व्हाइट रिवोल्यूशन येलो रिवोल्यूशन ब्लू रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किए हैं। 1949 में हमने डॉक्टर राधाकृष्ण जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इनमें इन्होंने होलिस्टिक रूरल यूनिवर्सिटी टीच एग्रीकल्चर साइंसेज इसके लिए इनिशिएशन किया था। इंडो अमेरिकन टीम्स 1955 और 1959 के बीच में इस्टेब्लिशिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन द लाइन ऑफ ग्रांट यूनिवर्सिटी LGU ऑफ USA इसके हिसाब से हमने इसको इस्टेब्लिश किया। 1958 में हमने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था एंड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1960 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी बनी, 113 प्लस ICR इंस्टीट्यूट है, 74 आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बाकी आप डाटा देख सकते हैं कि कितने हमारे पास सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एंड सो इसके अलावा हमने ICR में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप चला रखी है, नेशनल प्रोफेसर नेशनल फेलो स्कीम प्रोफेसर एंड एमिटर्स आपकी विंटर स्कूल शॉर्ट कोर्सेज सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड अपस्केल करना है ई कोर्सेज के थ्रू ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू एजुकेशन ऑन ई कृषि शिक्षा एंड ओपनिंग द सिस्टम ऑफ लर्निंग सिस्टम दैट इज एग्री लोर प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं। बीमस्टेक दैट इज ब्यू ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसमें भी हमने स्कॉलरशिप के प्रोविजन रखे हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमने फॉरन आपके रिलेशन मेंटेन किए हैं। एक पोर्टल है दैट इज स्टूडेंट रेडी, इसका मतलब क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, जो अच्छे अच्छे इकोनॉमी है जैसे आपके REA आपको याद रखना है, रेडी आपको याद रखना है, आपका इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल 12 मंथ आपका एक कोर्स है लास्ट फॉर द UG प्रोग्राम, लास्ट ईयर ऑफ UG प्रोग्राम आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस दैट इज रावे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसमें जो प्रोविजन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
अच्छी अच्छी बात है सारी आपकी इसी में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन बॉटम टू टॉप अप्रोच, आत्मा के थ्रू, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को करेंगी, केवीके और आईसीआर का इसमें रोल है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एंड केवीके आर द ओनली गेटवे फॉर फ्रंटलाइन एक्सटेंशन इनोवेशन फॉर टेक्नोलॉजी जनरेशन एंड डिसेमिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कौन है आपको याद रखना, दैट इज केवीके, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड फर्स्ट हमने बनाया था 1974 में, फिलहाल हमारे पास 730 है 2022 में, एंड स्टेट गवर्नमेंट एनजीओ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। इसके लिए हमने क्या किया है, 102 या फिर 1.2 बिलियन मोबाइल कनेक्टिविटी, 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं, एंड स्मार्ट फार्मर्स एंड फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है, 80 मोबाइल ऐप हमने स्टार्ट कर दी है। इसका जो मोटो है दैट इज एग्री सर्च विद ए ह्यूमन टच। इनोवेशन इंक्लूड्स आपके फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए हैं, इनको डिप्लोमा वगैरह करवा सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर इसको देसी बोलते हैं, आरईए एंड नारी दैट इज न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन। क्षमता क्या है, दैट इज नॉलेज सिस्टम एंड होमस्टेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इन ट्राइबल एरियाज। वाटिका क्या है, दैट इज वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर फर्स्ट, ये हमने देख लिया। नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलबोरेशन हमने की है, जैसे CIM MYT एंड IRRI के साथ, ICR ने GIRI के साथ कोलाबोरेशन किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे 65+ नेशन के साथ, सार्क बीमस्टेक जैसे साउथ एशियन जो हमारा कोऑपरेशन रीजन है उसके साथ, ब्रिक्स आपका ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बीमस्टेक में शेयर्ड एग्रीकल्चर रीजनल कोऑपरेशन, ये सब अच्छी अच्छी बातें आपको याद रखनी है। अनास तो पूछ सकता है ये आपका अफगानिस्तान में है, इसके कंटेक्स्ट में पॉलिसी हमने डिजाइन की है 75 ईयर्स पे, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में हमने पास किया था, CACP FCI सब हमने बना दिए थे, 1982 में नाबार्ड बना दिया था, PM किसान सम्मान निधि 2000 आपके 19 से शुरू है, 2018 में इसको एक बार लॉन्च किया गया। एग्री स्टार्टअप की हम बात करें हैं, थिंग्स ऑफ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज सेंसिंग आपकी, ड्रोन की बात करें हैं, सो मैनी थिंग्स जिनको आप लिख सकते हो अगर आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है। IHR has established 50 एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर 2016 में, स्पोर्ट्स सब 1476 स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप और 2014 से 20 तक। अब आता है हमारे पास चैलेंजेस क्या है, विद द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.6 बिलियन एंड एनुअल फूड डिमांड हमारी 400 मिलियन टन हो जाएगी बाई 2050, इसके लिए कंट्री मिनिमम 4% एनुअल ग्रोथ आपके एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी है। सो नंबर आपसे पूछ सकता है कितनी परसेंट है, कौन सी ईयर तक है, दैट इज 2050। इंडिया हैज वन, अब जो एरिया आएगा ये प्लीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, इंडिया हैज 121 मिलियन हेक्टेयर जिसमें 36% जोग्राफिकल एरिया जो डिग्रेड है विद सोइल इरोजन एंड सैलिनिटी के साथ, एल्केलिनिटी है, एसिडिटी है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, इडेफिक स्ट्रेसेज है, एंड 4% वर्ल्ड के हमारे पास रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, एंड कंट्री के पास सिर्फ ओनली 43 मिलियन हेक्टेयर दैट इज फुल्ली आपकी फुल्ली इरीगेटेड है, 23 मिलियन आपकी पार्शली इरीगेटेड है, 74 मिलियन हेक्टेयर रेनफेड है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। रिचार्ज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज अराउंड 432 बिलियन क्यूबिक मीटर एंड विद 90% यूटिलाइज इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड डिप्लीशन हो रहा है हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात वेस्टर्न यूपी एंड डेक्कन प्लेटू। एनुअली 8 से 10 मिलियन टन ऑफ एनपीके इज माइंड फ्रॉम द सोइल्स दैट इज 91, 93, 91, 95 एंड फिलहाल 43% सोइल आर रिलेटेड इन लो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पोटेशियम ये सभी में है, नाइट्रोजन 93 फॉस्फोरस में 91 पोटेशियम में ये और जिंक में 43, एंड फर्टिलाइजर देयरफॉर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन ग्लोबली, 120 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इन इंडिया में बात करें कंजप्शन इज 17 मिलियन टन या फिर मैट्रिक टन आप बोल सकते हो, अर्ली आपका हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर नाइट्रोजन अप्लाइड इन लीक इनटू द सोइल जो वोलेटाइजेशन से लॉस हो जाता है लीचिंग के थ्रू, एमिशन रिजल्टिंग मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट, इनसे आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है।
अब इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या हम इसके लिए टास्क सेट कर सकते हैं। दैट इज इंडिया हैज नाउ सेवरल नेशनल प्रायोरिटीज, इनहांसिंग द फार्मर्स इनकम 200% हमको बढ़ानी है, ठीक है, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूज हमें 25% कम करना है, वाटर यूज हमें 20% रिड्यूस करना है, इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी 50% हमें बढ़ानी है, एंड रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस एमिशन इंटेंसिटी 45% बढ़ानी है, सॉरी घटानी है, रिड्यूस करनी है 45%, काइंडली करेक्ट इट, 45% हम रिड्यूस करेंगे, और यही हमने आपकी जो यूएन क्लाइमेट है उसमें अनाउंस किया था। रिहेबिलिटेट करेंगे डिग्रेडेड लैंड को, दैट इज 26 मिलियन हेक्टेयर। पंचमृत, कार्बन न्यूट्रलिटी यूएनएफसीसी में हमने बात की थी, लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रलिटी है उससे बात की, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हमने बात की, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज सार्क जो है हमारा, उससे संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमारे कितने गोल है और कितने टारगेट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, काइंडली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, रिड्यूसिंग केमिकल फुटप्रिंट्स, नेचुरल फ्रेंडली हमको बनाना है, यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर, मोर सिनर्जी इन द क्रॉप, वेदर साइकिल आपको विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट आपको अडोप्ट करना है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने मेजर गोल सेट किए थे फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंडिया विल स्ट्रिप हेल्प अचीव गोल थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी के साथ, हम इंप्रूव कर सकते हैं इसको, इंप्रूव कर सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट एनुअल ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन शुड बी मोर देन 1.5%, इतनी होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 3% होनी चाहिए, दैट्स इट। ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर एनी बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आपकी फार्मर ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया विजिटिंग द व्हीट फील्ड एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। अब आप ये बता सकते हैं इसमें एम एस स्वामीनाथन कौन से हैं और डॉक्टर एनी बोरलॉग कौन से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें हम करेंगे पूरा चैप्टर क्रॉप एस बैंड्री इन द प्री इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया कल की डेट में, एंड आपके पास ये पीडीएफ है तो आप लोग इससे पढ़ भी सकते हैं पहले भी, थोड़ा बहुत एडवांस रह के। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।